तालसा सिरिंग तंखा मुसा सालिया गबमा बरक बाय यसे सोजाखा सुमति साजाखा हाइपनो तंखा बुबाग्रा सिरिंग सिरिंग साग हामिया साग नाइजाखा ताबुखे हानि बुसा मसाने फानतये हानो हाय तिरुपुराव सखपाके बबाग्रा मे तालनि बासार मारिबो बबाग्रा तिरुपुराव सखपाके आगरतला महाराजरा बिरि विक्रम एयरपोर्ट कक्तमा थनारुनि बसकांगो खुखेंगा बबाग्रा बबाग्रा साका ताबुक स्राय स्राय ओंसिनाय 8 मेव तिरुपुराव इंटरलोकेटर फायनाय 10 मेव होम मिनिस्टर बे मालायनाय बबाग्रा हानि बागै दफानि बागै सामुं तांनाय बायथागो मणिपुरनि पातिमंगो मेइति ते कुपि खदानि लुकुरावनो टं कुसाक नांनानै बागै क कसारखा बुलायि टंलायि नक हक चार्ज मुदाय नक सावनायि मुंसाफोर मानगला आसिक सिमिया तिरुपुरानि मणिपुराव परितंगैनाय रोंसोंनाय रंनो बाहायनो त्रिपुराव किफिलि फायनो हनके बीर खुंनि टिकेट सेबनाय हनै कक्रखा बबाग्रा से कमजोरी है लेकिन कुछ नहीं होने वाला मैं ठीक हूँ मैं एकदम ठीक हूँ मैंने बात किया है और मणिपुर में जितने भी हमारे इंडिजिनस लोग हैं लड़के लोग हैं स्टूडेंट्स हैं मैंने कहा है कि उनका अगर उनको वापस आना है तो मैं उनका पूरा ट्रेन का टिकट का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ख़राब समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। मेरे ख़राब टाइम भी मेरा ख़राब समय में भी मेरे लोगों ने मेरे संग खड़ा रहा। तो आज अगर उनके लिए वहाँ में मणिपुर में जो सिचुएशन है अच्छा नहीं है तो मैं उनके लिए आने के लिए पूरा ट्रेन का बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा 100%। और रहा बात वायलेंस का, वायलेंस से कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। आई अपील टू ऑल माई मैत्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो इसके पीछे है कोई और है, आप लोग सामने एक संग मिलकर ठंडा शांति रखकर एक दूसरे से बात कीजिए। वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा और ये नुकसान का फायदा कोई और उठाए। मणिपुर का सीएम के साथ बातचीत हुआ? मैं मणिपुर के सीएम को जानता नहीं हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूँगा। लेकिन मणिपुर में बहुत लीडर्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल भी है, मैत्री कम्युनिटी से भी है और कुकी कम्युनिटी से भी है। मैंने उन सब से बात किया है और अगर वो चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ करूँ तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू इंटरव्यू। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि शांति रहना चाहिए, किसी का घर, किसी का चर्च, किसी का मंदिर को नहीं जलाना चाहिए। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा और सोसाइटी डिवाइड होगी। अभी त्रिपुरा का पहाड़ का सिचुएशन क्या है? आप देखिए 8 तारीख को क्या होने वाला है, 8 तारीख को आप देखिए क्या होगा, उसके बाद आप बात कीजिए। मैंने आज ही होम मिनिस्टर से सवेरे बात किया है और 10 तारीख को मैं होम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और 8 तारीख को इंटरलोकेटर त्रिपुरा आ रहा है। और जो लोगों ने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया था कि नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, एक महीना, मैं एक महीना चुप रहा हूँ लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। 8 तारीख को इंटरलोकेटर्स आ रहे हैं, मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ। त्रिपुरा सा कल कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूँगा। ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है और मैं अपना कम्युनिटी के लिए हमेशा फाइट करूँगा। थैंक यू।